हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नए किचन टिप्स एंड आइडियाज़ जो आपके मुश्किल कामों को आसान करेंगे, आपके समय और पैसे दोनों को बचाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को, ताकि वो इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके और अपने समय और पैसे दोनों को बचा सके। तो सबसे पहली टिप जो है मेरी, देखिए इस तरीके से कद्दूकस को लेकर है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कद्दूकस करके दिखा रही हूँ। क्या होता है, अक्सर जब हम ऐसे कद्दूकस करते हैं ना, तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं जिस चीज़ को हम कद्दूकस करते हैं, वो इस तरीके से इसके हॉल में चिपक जाते हैं। और हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम ये लेते हैं और चूना और इससे इसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। जो ये स्क्रबर होता है ना, इसके बाल इसमें घुस जाते हैं और निकलते भी नहीं कई बार। तो इसके लिए एक छोटा सा आइडिया बता रही हूँ। देखिए आपको लेना है ये टूथब्रश और इस पे लगाया है मैंने डिटर्जेंट पाउडर, और या तो फिर आप जो टिक्किया होती है जिससे बर्तन मांजते हैं आप वो भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमें टूथब्रश से इसके होल को अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। जितने भी छोटे छोटे होल्स होंगे ना, जिनके अंदर ये पार्टिकल्स जो हमने इसके अंदर कद्दूकस किया है कुछ भी, वो सारे आसानी से निकल जाएंगे। और साथ के साथ ये देखिए कितने अच्छे से जो है साफ़ भी हो जाएगा। और जो स्क्रबर से हम इसको धोते थे वो उससे ये अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता था। तो इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं आप अपने घर पर। अच्छी लगी हो टिप तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने लिया है तवा और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और एक पाउच डालेंगे हम इसके अंदर शैम्पू का। तो ये जो सॉल्यूशन बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, आपके आने वाले दिवाली के मुश्किल कामों को आसान करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गर्म कर लेना है इनको। देखिए जैसे मैंने कर रखा है ना, लो फ्लेम पर ही करना है ये सारा काम, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और अब लेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें मिक्स जब तक करना है जब तक इसके अंदर अच्छे से जो है झाग ना आ जाए। तो देखिए आप देख ही सकते हैं ये, इसको बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे ही कर रखा है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें झाग बन गए, अब इसको मैं बंद कर दूंगी। चलिए इस सॉल्यूशन को हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए किचन के अंदर जहाँ खाना बनाते हैं ना, इसके पीछे की जो साइड होती है गैस स्टोव की, बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉल्यूशन से ना आप लीजिए अपने स्क्रबर और अपने टाइल्स के ऊपर इस तरीके से फैल लीजिए। जितने भी पुराने गंदे दाग होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया है तो वो जो है क्लीन करने में सबसे बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आप देखिए टाइलें तो साफ़ कर ही सकते हैं, और देखिए किचन के ऊपर जैसे ना ऑयल के दाग भी जल्दी से चिपक जाता है, ऑयल चिपक जाता है। तो इस तरीके से रैक वगैरह जो होती हैं हमारी, उनके ऊपर भी इससे करोगे ना साफ़ बिल्कुल हो जाएंगी। तो आप ये सॉल्यूशन बनाकर अपने दिवाली पर ज़रूर यूज़ करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो मुश्किल दाग होते हैं ना किचन के टाइलों के दरवाजों पे, इसको आप यूज़ कर सकेंगे। तो आइडिया अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालेंगे ये हमारे जो कोलगेट के खाली रेव होते हैं ना कवर, इसको हम फेंक देते हैं बेकार समझकर, तो आज इसका भी हम यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके कैंची के छोटे छोटे से इसके पार्ट काट लूँगी और इस तरीके से पानी के अंदर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ से ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए सारा मैंने मिक्स कर लिया है। जितना भी इनके ऊपर कोलगेट लगा हुआ था ना, वो सारा पानी के अंदर आ गया है। और अब क्या करेंगे, हम इसको लेंगे अपनी ही बोतल के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारी ये बोतल जो होती है ना, अंदर से हम अच्छे से साफ भी करते हैं लेकिन इसके अंदर ना स्मेल सी आने लग जाती है, और कई तो ना अंदर जो है गंदे से दाग भी हो जाते हैं जिनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसको इस तरीके से इसके अंदर डालना है और अच्छे से शेक कर लेना है, अच्छे से शेक करना है, ताकि जो हमने कोलगेट के इसके अंदर काट के पीस डाले ना, उससे जितने भी दाग होंगे ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी इसके अंदर कुछ भी जो है झाग बिल्कुल नहीं बना हुआ था, और कितना सारा झाग बनकर आ गया, और कुछ भी हमने इसमें ना सर्फ डाला कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ कोलगेट से ही ये सारा झाग बन गया है। तो फ्रेंड्स अब इसको मैं क्लीन करके दिखाती हूँ कितना अच्छा ये क्लीन होता है, ये देखिए अभी आपको दिखाती हूँ मैं।
तो यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया है और ये देखिए इसका रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स जितनी भी ये बोतलें होती हैं ना और अंदर से बिल्कुल जो साइड के कोने होते हैं ना उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ लिए हैं मैंने दिए, तो देखिए फ्रेंड दिवाली आने वाली है तो ये टिप भी आपके दिवाली पे काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने दिए हैं तो उसको ही एग्जांपल के तौर पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आप ये टिप जो है नए दियो के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे दियो को साफ़ कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, जब भी नए दिए लेकर आए ना पहले आप साफ़ कर लीजिए और उनको इस तरीके से पानी में भिगो कर अच्छे से रख दीजिए आधे से एक घंटे के लिए। इससे क्या होगा, जितना भी इसके अंदर पानी सोखना हो ना वो सारा ये दिए सोख लेंगे। और इनको इस तरीके से उल्टा करके यहाँ पर मैं रख दूँगी और जितना भी पानी इसके अंदर होगा वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और देखिए थोड़ी सी देर ये पानी सोख लिया है और इसको हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, कपड़े से साफ़ करने के बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे मैंने दिए साफ़ कर लिए हैं, तो अब मैं इनको रखूँगी इस तरीके से अपने फ्रिज के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मैंने क्या करा, अपना फ्रीजर खोल लिया और देखिए 5 मिनट के लिए हमें इसको जो है अपने दियो को इस तरीके से फ्रिज के अंदर लगा देना है। इससे क्या होने वाला है, तो देखिए जो हमारे ये दिए हैं ना अभी नए थे, तो क्या होता है कि जब नए दिए होते हैं तो उनमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इस तरीके से इनको यूज़ करने से पहले इस तरीके से फ्रिज में रख देना तो इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा, ये पक्के भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टिप में देखिए, इस तरीके से लेना है आपको ये प्लास्टिक का कंटेनर, जितना जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं ना, देखिए इस तरीके के कंटेनर जो होते हैं हमारे पास आते ही रहते हैं और इनका प्लास्टिक काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। और इस तरीके से हमें ये प्लास्टिक का बॉक्स मैंने लिया है और इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये टिप। तो यहाँ पर लिया है मैंने नाइफ और इसको गर्म कर लिया था गैस के ऊपर और ये आसानी से देखिए कट गया है। ये काम जो कीजिए तो थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि चाकू काफ़ी गर्म होता है, कभी आपके हाथ ना लग जाए, तो इसीलिए इसको ज़रा काम करें तो ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये दोनों पीस हो गए, कट हो गए और अब लेंगे हम नाइफ और ऊपर से इसको ना हल्का सा हम प्लेन करेंगे ताकि ये जो इसका तेजपन है साइड से निकला हुआ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, सही से हो जाए, तो इसको हम थोड़ा सा समतल करेंगे। चलिए अब इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल सा एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इन बॉक्स को हमने लगा दिया इस तरीके से अपने फ्रिज के डोर पर, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बन जाएगा एक ऑर्गेनाइज़र। हमारे पास ऐसे कई पाउचेस होते हैं फ्रिज के अंदर, हम जिन्हें डायरेक्ट ऐसे दरवाजे पर रख देते हैं, तो आपको इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बनाना है और इसको इस तरीके से यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो, ऊपर जितने भी होते हैं बने हुए हैं खाने उनके अंदर इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अपने फ्रिज के अंदर लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा से जैसे कि यहाँ पर ये केचप रख दिया है, पाउच रख दिया है, तो इनकी जगह आप जो है धनिया हरी मिर्च वो भी रख सकते हो। आई होप आज की टिप आपको पसंद आई होगी, कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।